सारी गलती मेरी है कि मैंने बिना सोचे समझे ये रिश्ता तय कर दिया। नहीं ललित, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। Why are you blaming yourself? तुमने उस सब अच्छे के लिए किया था ना। बदकिस्मती से ये सब, बदकिस्मती नहीं, जल्दबाजी सीजी, जल्दबाजी। किसी पर इतना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कशिश का रिश्ता करने से पहले मुझे राहुल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए थी। सीजी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुजल, मैं पूछता हूं, सबके सामने इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? तुमने एक बार फिर कशिश की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। अगर तुम राहुल की असलियत से वाकिफ थे तो पहले क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell us before? है कोई जवाब? अरे जवाब दो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, क्या मैं जा सकता हूं? ठहरो। क्या मैं ऑफिस जा सकता हूं? कितना तमाशा किया तुमने, इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है तुमने। Do you know that? सारा शहर हम पर उंगली उठा रहा है, All because of you. एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम हर बार सिचुएशंस को अपने नजरिए से ही क्यों देखते हो? Why the hell don't you think about other people? या फिर मैं भी ये समझूं कि तुम कशिश को किसी और का होते हुए नहीं देख सकते? हाँ, वैसे भी the entire media is covering this news. वो बात जो सिर्फ हम लोग जानते थे अब सबकी जुबां पर है। The Kashish Sujal romance rekindled. कशिश सुजल के प्यार की दोबारा शुरुआत। कशिश, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सब भूल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें भूलना होगा। बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। पापा, हमारे भूलने से क्या फायदा? ये दुनिया हमें कभी भूलने नहीं देगी पापा। और वैसे भी मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती कि आपको हमेशा मेरी वजह से नीचा देखना पड़ता है। नहीं, तुम पर तो मुझे नाज है, और रहा सवाल दुनिया का तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। हाँ कशिश, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखा संजना, सभी बीबी को ब्लेम कर रहे और उस कशिश को। ऋषि प्लीज, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसे फील कर रहे हो। इट्स बिकॉज यू रियली केयर अबाउट सुजल। संजना, आज उस कशिश की वजह से मैं अपनी बीबी से दूर हूँ। चाहकर भी मैं अपनी बीबी की मदद नहीं कर सकता, उनका गम नहीं बांट सकता। सच तो यह कि जब भी बीबी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है तो कशिश बर्बादी बनकर फिर से बीबी के सामने खड़ी हो जाती है। ऋषि, ऋषि प्लीज, जस्ट टेक इट इजी। अरे हाउ डू आई टेक इट इजी संजना, हाउ डू आई टेक इट इजी? मेरा दिल जलता है, हाउ डू आई टेक इट इजी? ये सब टेंशन बेबी उस कशिश की वजह से लेते हैं। राहुल की असलियत सामने लाकर बेबी ने कशिश को बर्बाद होने से बचा, और उस कशिश ने क्या किया? उस कशिश ने
आई जस्ट हेट अ मैन एंड सिक ऑफ अ संजना, घर पर सब कैसे हैं? सब बहुत परेशान है ऋषि, देयर ऑल इन शॉक। और डैड वो तो अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं। देखा संजना, कशिश की वजह से धीरे धीरे हमारा पूरा घर बिखर रहा है, उसी की वजह से आज मैं अपने ही घर से बाहर हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वी जस्ट हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, शायद इसी में सभी की भलाई। एनीवेज आई हैव टू गो नाउ, बट यू टेक इट इजी, ओके? मुझसे वक्त का इंतजार नहीं होगा, मेरा सफर खत्म हो चुका है संजना। अब अगर मैं चुप बैठ गया तो कशिश के हौसले बुलंद हो जाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बस राहुल बस, दैट्स इनफ। आज शर्म से सर झुका दिया तुमने मेरा, अरे सारी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट कर दिया तुमने मुझे। कितनी उम्मीदें थी मुझे तुमसे, सारी उम्मीदें, सारे सपनों को चकना चूर कर दिया तुमने। लेकिन पापा मैंने कुछ भी शरम राहुल। तुमने जो हरकत की है ना, उससे पैडी को बहुत दुख हुआ है, वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। डैड मैं जानता हूँ कि कुछ साल पहले मुझसे गलती हुई थी, लेकिन डैड जल्दी मुझे उस गलती का एहसास हो गया था। मार्था इज नॉट अ नाइस गर्ल डैड, वो एक अच्छी लड़की नहीं है और मैं जानता हूँ, और जल्दी उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। Papa, all I need is a chance. Just one chance. Too late, Rahul. Just too late. Paddy और मैं आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं। आज के बाद हम तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। Dad, please, आप, Dad, please, don't understand. नहीं राहुल, नहीं। अगर तुम्हें सचमुच हमसे प्यार होता ना, तुम हमें इतना बड़ा धोखा कभी नहीं देते। And you know what, Rahul? मैं आज तुमसे सिंघानिया होने का हक छीनता हूं। यस पापा। सुजा, यू विल हैव टू पे फॉर ऑल दिस। क्या सोच रहे सुजन? सुजन कशिश कैसी है? कमाल है, कशिश को तुम्हारी फिक्र हो ना हो, लेकिन अपने से ज्यादा तुम्हें उसकी फिक्र है। प्यार में किसी भी तरह की उम्मीद रखना खुदगर्जी होती है अक्षत। अगर मुझे कशिश की परवाह है तो ये जरूरी तो नहीं कि उसे भी मेरी परवाह हो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि कशिश अपना सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। जानता हूं कि सब इतना आसान नहीं है, लेकिन खुशकिस्मत है वो कि उसके आसपास तुम जैसे लोग हैं। और तुम प्यार करना तो कोई तुमसे सीखे सुजल। मैं चलता हूं सुजल। कशिश से मिलने नहीं जाओगे सुजल?
तुमने प्यार को नए मायने दिए हैं सुजल, और कशिश को तुम्हारे प्यार को कभी ना कभी पहचानना ही होगा। बिग बी, बिग बी, बिग बी, बिग बी, प्लीज बिग बी, मैं जानता हूं कि आप अब भी मुझसे नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपके दुख में शामिल नहीं हो सकता। बिग बी, आप अब भी मेरे बिग बी हैं। बिग बी, ये सब की वजह तो वो, मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी है। नहीं ना, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, 100 खामियां मिलेंगी। तुमने मुझे पहले ही बहुत तकलीफ दी है अब, और नहीं, जस्ट स्टे आउट ऑफ माय लाइफ। बिग बी, लिसन टू मी प्लीज। बिग बी, बिग बी, आप कितने बदल गए। चोर ऋषि आपकी परछाई हुआ करता था, आज उसका वजूद भी आपको खटकता है। कशिश, तुमने मेरे और बिग बी के बीच जो फासले बनाए हैं, वही फासले तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच होंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। ललित, परेशान मत होना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। राहुल की असलियत जानकर मैं भी बहुत हैरान हो गई थी, लेकिन अब दुख इस बात का है कि हमारी कंपनी का मर्जर नहीं हो पाया, और ये सब कशिश की वजह से। अगर वो नहीं होती तो वसुंधरा, इतनी सेल्फिश मत बनो। कंपनी के मर्जर ना होने का दुख है तुम्हें, लेकिन कशिश के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। उल्टा तुम सबके लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही हो। सारा मीडिया कशिश और सुजल के बारे में बात कर रहा है। तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा सोचो वसुंधरा, अगर यही हादसा संजना के साथ हुआ होता तो तब भी तुम्हारा यही जवाब होता? तुम ही चाहती थी ना कि संजना की शादी राहुल के साथ हो। हाँ, मैं चाहती तो थी, लेकिन ललित, प्लीज डू नॉट एवर कंपेयर माई डॉटर विद कशिश। वसुंधरा, इतनी भी आगे मत निकलो के बाकी के लोग पीछे रह जाएं और तुम अकेली रह जाओ। पर ये सब मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, एक्सक्यूज मी। कशिश के मोह ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है ललित, आज तुम्हें सिर्फ उसी की भलाई नजर आ रही है। तुम और कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। कौन सही है, कौन गलत, इसका फैसला वक्त ही करेगा कि कशिश की कोई अहमियत नहीं है। She is not worth your affection. क्या बात है ऋषि? Why are you looking so upset? आर्ची, आज मैं बिग बी से मिला था, मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और ये सब की वजह है वो कशिश। रिलैक्स ऋषि, ऋषि तुम्हारे कहने से क्या होता है, ये सारी बातें सुजल को समझनी चाहिए। अरे कशिश ने उसका प्यार इतनी बार ठुकराया है, और सुजल है कि आरजी, बिग बी बहुत अकेले हैं, ही नीड्स अ शोल्डर। मैं सच कह रहा हूं आरजी, उन्हें किसी की जरूरत है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। लेकिन ऋषि, आर्ची,
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। एनीवेज अब मुझे चलना चाहिए। सी यू। बाय। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाना पड़ेगा सुचल से मिलने के लिए। वीना, इतनी रात गए, वेयर वर यू? बाहर गई थी, मन ठीक नहीं था, सोचा थोड़ा वॉक कर लो। क्या बात है, परेशान हो? कोई परेशानी नहीं है मुझे। लुक, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो बताओ, व्हाई डोंट यू टेल मी? आपको सुजल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने जो कुछ भी किया है कशिश के भले के लिए किया है। आप क्यों उसे हमेशा गलत समझते हैं? उसके नजरिए को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं आप? और कब तक आप एक ही गलती दोहराते रहेंगे? एक्चुअली वीना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। लुक वीना, सिचुएशंस को अपने नजरिए से ही क्यों देखते हो? Why the hell don't you think about other people? या फिर मैं भी ये समझू कि तुम कशिश को किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। सुजल, मुझे माफ कर दे बेटा, जो कुछ भी हुआ वो गलत था। और उस वक्त मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। नहीं मामा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो समाज की नजरों में गलत ही है। कोई हक नहीं बनता मुझे कि मैं किसी की जिंदगी में दखल दूं। कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? इस दुनिया में अगर जीना हो तो समाज के विचारों से जीना पड़ता है, खुद के विचारों से नहीं। और रहा सवाल डैड का मामा, तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस समाज की जीती जागती परछाई है। उनके अपने बेटे पर क्या बीतती है, उसके इरादे क्या हैं, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत पर लोग उंगली उठाएं, ये उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है सुजल। तुमने जो कुछ भी किया है सही किया है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हमेशा रहना भी मम्मा, क्योंकि और किसी के साथ की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।